जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में हम पढ़ रहे थे डिजाइन टाइप में, और एक चीज रह गया था पेज बॉर्डर, यही ना पेज कलर कर लिए थे। अच्छा, पेज कलर किए थे इक्वल टू रेड, ब्रैकेट ओपन, कुछ नंबर्स ले लिए, ब्रैकेट क्लोज किया, डाटा आया। क्लिक पेज कलर करने का तरीका मैंने कई बताया था कि एक सॉलिड कलर हो गया, और कोई भी एक कलर ले लेते हैं ना, कोई एक ही कलर है, एक सारे कलर है, एक ही है, इसको बोलते हैं सॉलिड फिल। क्या बोला जाता है इसको? सॉलिड मतलब कोई एक ही कलर भर दिया आपने सॉलिड तरीके से, मतलब पूरा उसी का कॉम्बिनेशन। और भी करना है तो क्या करेंगे, फिल इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ से वन कलर टू कलर कैसा चाहिए। जैसे मान लो हमने टू कलर ले लिया, और टू कलर में वही ग्रीन और रेड मान लो ले लिया, देखना ध्यान समझना मेरी बात को। तो ऐसा आ रहा है ना, ओके किया ऐसा आ रहा है ना, उसमें भी डायरेक्शन चेंज किया जा सकता है फिल इफेक्ट। और यहाँ एक ऑप्शन आता है कि डायगोनल चाहिए, वर्टिकल चाहिए, हाँ डायगोनल अप चाहिए, ऐसा हो जाएगा, देख रहे ना डायगोनल ही हो गया ऐसे ऐसे। तो कैसा कॉन्सेप्ट चाहिए, ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे बदलने के लिए। अच्छा, जब भी पेज को कलर करेंगे तो बाकी के उससे जुड़े जितने भी पेज होंगे वो सारे कलर हो जाएंगे। और आप सोचेंगे लास्ट में ब्लैंक पेज ले लें, उसमें भी तो हाँ उस पर भी हो जाएगा। राइट क्लिक करिए, ऐसा राइट क्लिक करिए, इंसर्ट टैब में आके ब्लैंक पेज ले लीजिए। देखिए जो ब्लैंक पेज आया है वो भी ऐसे ही कलर का लगा ना। अगला जो है आपका वो है पेज बॉर्डर, यानी पेज पे एक बॉर्डर लगाना। तो बस क्लिक करना है, बहुत सारे तरीके दिए हुए हैं, आप 3D पे क्लिक लीजिए, 3D में मजा आएगा। और जो भी लाइन लेनी है आपको वो क्लिक कर दीजिए। देखिए देखिए बॉर्डर लग गया, लगा है बॉर्डर। इस बॉर्डर की साइज को घटा बढ़ा सकते हैं, इस बॉर्डर की विड्थ को, चौड़ाई को घटाया बढ़ाया जा सकता है। अब बॉर्डर पे ही क्लिक करेंगे और यही लिखा हुआ है विड्थ, क्या लिखा हुआ है विड्थ मतलब चौड़ाई, इसको मैंने बढ़ा के थोड़ा सा उल्टा कर दिया, अब ये थोड़ा सा ही बढ़ जाएगा, देख रहे हैं। अच्छा, कलर भी चेंज करना है, अगर ब्लैक नहीं रखना है कोई और कलर रखना है तो भी ऑप्शन अवेलेबल है आपका यहाँ पे, कलर से जो कलर चाहिए आप वो कलर ले लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत हो जाएगा ना। उसके बाद से और बॉर्डर लाइन में नहीं चाहिए, आप कोई ड्राइव टाइप में लेना चाहते हैं तो इस आर्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, देख रहे हैं आर्ट लिखा हुआ है आर्ट, बस इस पे क्लिक करेंगे, इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिखने लगेगा। जो ऑप्शन आपको अच्छा लग गया वो आप क्या कर सकते हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हैं वो, देख रहा है ना। हाँ खाली यही ले लिया हमने, ओके कर दिया, देखिए देख रहा है ना। अच्छा, इसकी भी विड्थ को घटाया बढ़ाया जा सकता है, सेम वही प्रोसेस होगा, पेज बॉर्डर पे गए और जो इसकी विड्थ 12 पॉइंट है इसको हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो बढ़ गई साइज, ऐसे आप बॉर्डर लगाएंगे, बॉर्डर जैसे भी बन करे आप वैसा यूज कर सकते हैं। बेसिकली ज्यादातर लोग लाइन का ही इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि तो डॉक्यूमेंट इन सब चीजों में नहीं होती, तो जानबूझ के दिया हुआ है ताकि आप किसी चीज को डेकोरेट कर सकें। जैसे आप लोग रिज्यूम वगैरह ही बनाते हैं तो उसमें एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट रखते हैं, कलरफुल नहीं रखते हैं। कारण क्या होता है कि ऐसा माना जाता है कि सीबी जो होता है सर्कुलम वाइटेट बोलते हैं उसे, तो उसको नॉर्मल ही रखा जाता है, ठीक है। और हॉबी में ज्यादा एक्स्ट्रा वर्क करने की कोशिश नहीं किया जाता है, ठीक है, कभी मैं बताऊंगा आप लोगों को बनाना कि कैसे बनाते हैं रिज्यूम वगैरह, ठीक है। और बेहतर तरीके, दो तरीके जो अपनी साइट में भी यूज होता है और जो फॉरेन वगैरह में यूज होता है, सारे पैटर्न आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो पेज बॉर्डर समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ, और क्या कर देंगे तो हट जाएगा, नन और ओके, कंट्रोल जेड। अब देखिएगा बॉर्डर भी लगा रहे हैं तो सारे पेज पे अप्लाई हो जा रहा है ना। हाँ, आप चाहते हैं सिर्फ पहले पेज पे रहे, दूसरे पे ना रहे, पेज बॉर्डर पे आएंगे और यहीं पे लिखा होगा
अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट, होल का मतलब क्या होता है संपूर्ण पूरा सारा, उस पर क्लिक करिए फर्स्ट पेज ओनली, ओके कर दीजिए। आप देखिए सिर्फ पहले पेज में लगा होगा, सेकंड पेज पे नहीं लगे, समझ गए। और नहीं रखना है, कुछ नहीं रखना है तो क्या कर देंगे इसको नन और ओके कर देंगे। पेज का कलर भी हटाना तो क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और क्या करेंगे नो कलर, नॉर्मल हो गया हमारा। तो इस तरह से आपका डिजाइन टैब खत्म हुआ। अगला टैब जो है आपका वो है लेआउट टैब। क्या है लेआउट टैब? लेआउट टैब में सबसे पहले बात किया गया है मार्जिन का। इसका बात किया गया है, मार्जिन क्या है मैं समझाने की कोशिश करूंगा, आप थोड़ा समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए ये आपका एक पेज है, देखिए मान लीजिए आपका पेज है, एक पेज आपका, और आप देखते हैं कि आप कुछ चीज स्टार्ट करते हैं बिल्कुल यहां से नहीं स्टार्ट करते, यहां से नहीं स्टार्ट करते, कुछ गैप छुटा रहता है ना गैप। तो मान लीजिए यहाँ गैप छोड़ दिया इस साइड में इतना कि इसके इधर ही लिखना है ना, और ये चीज आप राइट साइड में भी करते हैं कि इसके इधर करना है, इसके इधर लिखना है। ये चीज आप टॉप पे भी करते हैं कि इसके नीचे ही लिखना है, और ये चीज बॉटम पे भी करते हैं कि इसके ऊपर ही लिखना है, यानी कंटेंट आपका कहाँ होगा यहाँ पे इस वाले एरिया में क्या होगा आपका मैटर लिखा होगा। देखिए सेम वही डायग्राम बना, सेम यही डायग्राम बना कि नहीं बना, और आप खुद देख लीजिए ये वाला स्पेस खाली है, ये खाली है, यहाँ खाली है, और नीचे भी ऐसे खाली होगा, और इसी वाले एरिया को क्या बोला जाता है मार्जिन। पेज के बचे हुए एरिया और टेक्स्ट जहां से स्टार्ट होता है उस बीच की दूरी को मार्जिन कहा जाता है, ठीक है। जहां से लिखना स्टार्ट करते हैं उससे और पेज की दूरी जो शेष है वो डिस्टेंस को क्या बोलते हैं मार्जिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं मार्जिन बोलते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो मार्जिन होती है वो हर तरफ बराबर होती है, वन वन होती है। आप खुद देख लीजिए कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लिया और आप मार्जिन पे आए, देखिए बाय डिफॉल्ट कौन सा सिलेक्ट है नॉर्मल, कौन सा मार्जिन लिया गया है नॉर्मल, नॉर्मल मार्जिन। नॉर्मल मार्जिन में क्या डिस्टेंस होता है वन से वन इंच का, ठीक है। और आप अगर नैरो कर दें तो देखिएगा थोड़ा सा स्पेस बढ़ जाएगा, ये मार्जिन कम हो गया, क्यों? क्योंकि अब मार्जिन वन नहीं है, अब मार्जिन 0.5 हो गया। 0.5 होने वाला कमी होना ना, यानी कंटेंट और एक्सपेंड हो जाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया ना बात को। मॉडरेट करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, देखिए क्योंकि मॉडरेट में क्या दिया हुआ है, मॉडरेट में टॉप बॉटम पे ज्यादा दिया हुआ है, लेफ्ट राइट में कम कम दिया हुआ है। वाइड कर देंगे तो और चला जाएगा, देखो वाइड में क्या दिया हुआ है दो दो, लेफ्ट राइट में दो दो, देखो देखो। अब आप बताओ इधर ज्यादा रेंज दिख रहा है आपको इधर दिख रहा है टॉप पे की लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में। और आप खुद देख लीजिए कि लेफ्ट साइड में ही ज्यादा दिया गया है यहाँ पे, लेफ्ट साइड में कितना है दो है, राइट साइड में भी दो है और टॉप पे सिर्फ वन ही। तो मार्जिन आप घटा बढ़ा लेंगे, अगर नहीं भी करना है अपने हिसाब से करना तो क्या करेंगे कस्टम पे जाएंगे और यहीं से जो भी करना है टॉप पे कितना रखना है लेफ्ट में राइट में, मान लो टॉप पे भी दो कर दिए। अब देखिए देखते हैं रेंज बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, कुछ है ओरिएंटेशन जो भी है छोड़ दीजिए अभी, और पेपर से कुछ लेना देना नहीं है, लेआउट से कोई लेना देना नहीं है, मार्जिन में और मल्टी पेज सारे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो कि सिंगल पेज होगा सिलेक्टेड टेक्स्ट पे, सारे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई होने दोगे तो क्या कर दिया ये रेंज यहां तक थी और नीचे आ गए, क्यों? क्योंकि मैंने दो कर दिया था, समझ में आ रही बात ना। तो जो भी मार्जिन आप अपने हिसाब से सेट करना चाहेंगे वो भी कर लेंगे, ठीक है। और एक गटर है इसका देखने क्या यूज है, तो
बोले लेफ्ट है, देख रहे ना। अच्छा गटर भी इंडेशन के लिए यूज होता है, गटर का मतलब वो वाला गटर मत समझ लेना, लिख लीजिएगा। मार्जिन में गटर का भी यूज किया जाता है और वही वर्क करता है मार्जिन का ही। स्पेलिंग देख लेना गटर का, GUTTER। गटर अच्छा का यूज किया जाता है मार्जिन आया वापस से नॉर्मल में कर दे रहा हूं, नॉर्मल 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 में कोई पूछेगा मार्जिन का क्या होता है, सब साइड में क्या होता है, 1 1 1 होता है, ठीक है। इसको चेंज कर सकते हैं ना अपने हिसाब से, कोई दिक्कत। अच्छा चेंज भी करेंगे तो जब भी प्रिंट किया जाता है तो पहले प्रीव्यू चेक किया जाता है, ऐसा ना हो कि पेज पे छापे और पेज पे पूरा कंटेंट एवे ना करे और हमने बिना देखे से छाप दिया, नहीं ऐसा कभी नहीं किया जाता है। जब भी प्रिंट किया जाता है उससे पहले प्रीव्यू लोग चेक करते हैं कि हाँ जो मैटर मैंने लिखा है वो पूरे पेज पे आ रहा है भी है या नहीं, तब लोग प्रिंट करते हैं। उसके बगल में बना हुआ है ओरिएंटेशन, क्या बना हुआ है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या, समझने वाली बात है, थोड़ा समझिएगा। ये देखिए ये इमेज 2 बार बनवा चुका हूँ आपको, ये तीसरी बार लगभग यूज कर रहा हूँ। दो इमेज, एक ऐसी और एक ऐसी, एक इस फॉर्म में है हॉरिजेंटल फॉर्म में, इस फॉर्म में है हॉरिजेंटल फॉर्म में, एक इस फॉर्म में है वर्टिकल फॉर्म में। और बताया गया था कि ओरिएंटेशन कितने होते हैं, ओरिएंटेशन कितने होते हैं, दो होते हैं, कौन कौन से, पोर्ट्रेट ऑनलाइन डिस्प्ले। ये होता है। अब कोई पूछेगा पोर्ट्रेट कैसा होता है, जब मॉनिटर की स्क्रीन कैसी दिखे, वर्टिकल दिखे तो क्या कहलाएगी, पोर्ट्रेट। जब मॉनिटर की स्क्रीन हॉरिजॉन्टल दिखे तो क्या कहलाएगी, लैंडस्केप, है ना। और रो कॉलम को भी इसी इसी इमेज से आप लोग क्लियर कर सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल में दिखने का मतलब क्या है वो, वर्टिकल में लिखने का मतलब क्या है वो। ये दो फिगर बनवाए थे पहले ना, जो नहीं बनाए हैं अब बना लीजिए और लिख लीजिए। ओरिएंटेशन दो ही होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, और एक फिगर बना के रिप्रेजेंट भी कर लीजिए ताकि दिमाग में हमेशा उसके लिए सेट हो जाए। जो लोग भी नहीं बनाए हैं वही डायग्राम बना ले और याद रखेंगे, कभी भी ओरिएंटेशन पूछा रहेगा तो ओरिएंटेशन में वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल का नाम नहीं लेंगे, दो ही होता ही है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अगर आप बोलेंगे वर्टिकल और हॉरिजेंटल तो भी लोग सही नहीं मानेंगे, क्योंकि उसका नाम ही पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है। हो गया वो,
चलिए तो क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि एमएस वर्ड में ओरिएंटेशन कैसा होता है। देखो ओरिएंटेशन देखिए, बताओ कैसा लग रहा है। हाँ, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। तो देखो स्क्रीन तब देखा जाता है जब पूरा डॉक्यूमेंट वैसा दिख रहा हो। इस जगह खाली है ना, इसको थोड़ी काउंट करेंगे अभी। जब इसमें कंटेंट होते, कोई बात होती, कोई इमेज दिखता होता है, तो समझ में आता है। या कोई डॉक्यूमेंट का ही पार्ट दिखता है यहाँ पे, तो कैसा दिख रहा है अभी? पोर्ट्रेट। तो लोग पूछते हैं कि बाय डिफॉल्ट का मतलब जो अपने आप, बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है एमएस वर्ड का, क्या बोलेंगे आप लोग? क्या इसको चेंज कर सकते हैं? आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। आप खुद देख लीजिए, मैं ओरिएंटेशन पे क्लिक कर रहा हूँ, आपको देखिए कौन सा हाईलाइट है, पोर्ट्रेट वाला। और जैसे ही लैंडस्केप करेंगे इसकी साइज एक्सटेंड हो जाएगी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। अब देखो कैसे बना हुआ है, देख रहे ना। और ये इससे पहले क्या था? तो बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट होता है ऐसा लिख लीजिएगा, और हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या होता है? पोर्ट्रेट ही होता है। हो गया अब अगला साइज है। क्या है साइज? साइज? मतलब कि जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं सबसे पहले साइज चेक करते हैं। आजकल के जो प्रिंटर के पेपर आते हैं जिसमें आप लोग प्रिंटिंग करवाते हैं, फोटोकॉपी करवाते हैं, किस साइज के आते हैं? A4 साइज। देखो देखिए A4 साइज पेपर चाहिए, जो भी आजकल के प्रिंटर के पेपर आ रहे हैं A4 साइज के आ रहे हैं। A3 होते हैं, ये सब भी होते हैं, लेकिन उनकी साइज क्या हो जाएगी? जितनी कम होगी A3, उतनी उसकी साइज बढ़ती जाएगी। आपने कोर्ट कचहरी में देखा होगा बड़े बड़े प्रिंटर रखे होते हैं, इतना बड़ा प्रिंटिंग होता है, नहीं चार्ट छपता है, वो भी प्रिंटर से ही छपता है ना, यानी प्रिंटर साइज और भी बड़े बड़े आते हैं पेपर के। लेकिन हम लोग कौन सा यूज करते हैं? A4 साइज प्रिंटर पेपर यूज करते हैं। तो जब भी प्रिंट करते हैं इन बातों का ध्यान किया जाता है कि हमेशा इसको A4 रखा जाता है, नहीं तो पता चले आपके साइज बहुत ज्यादा है और A4 पे प्रिंटिंग कर रहे हैं, क्योंकि पेपर तो A4 साइज की ही है, तो हो सकता है कंटेंट कट जाए ना आए, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे कंडीशन में जब भी हम प्रिंट करने जाते हैं सबसे पहले साइज चेंज करते हैं। पहले साइज तो बाय डिफॉल्ट लेटर साइज में होती है, इसमें होती है लेटर में 8.5 × 1, लेकिन हम जब प्रिंट करने जाएंगे किसमें कर देंगे? A4 साइज। देखो साइज कम है 8.27 × 11.69, इसमें कर देंगे। देखिए देखिए उसी पे लगा, देखो कंट्रोल जेड, और जैसे ही A4 कर रहा हूँ देखो थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगा और कंप्रेस हो जाएगा, देख रहे हैं ना। अब इसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, अब इसको प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करेंगे तो देखो प्रीव्यू दिख रहा है, यहाँ पे प्रीव्यू दिख रहा है ना, यानी कि पेज पे बराबर आएगा, कहीं कटेगा नहीं। उसके बाद से प्रिंट कर दीजिए। यहाँ से क्या क्या सब प्रिंटर की सेटिंग है, मान लीजिए इस टाइम डॉक्यूमेंट जब हम ओपन किए हैं उसको सेव किए हैं नहीं किए हैं, क्या हमारे सिस्टम में कहीं प्रिंटर दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप प्रिंट करने जाएंगे तो कहेगा डाटा सेव कर दीजिए, इसलिए कहेगा क्योंकि अभी तो प्रिंटर है नहीं, तो ये मानता है कि अगर आप प्रिंट कर रहे हैं तो हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट डाटा हो, फ्यूचर के लिए कहता है सेव कर लीजिए, जब प्रिंटर होगा भविष्य में खरीद लीजिएगा तो छाप लीजिएगा, समझ गए ना बात को। तो देखिए यहाँ से क्या क्या कर सकते हैं, इसको पीडीएफ में कन्वर्ट किया जा सकता है। नंबर ऑफ कॉपी, कितना कॉपी चाहिए, वन साइडेड चाहिए या टू साइडेड चाहिए, मैनुअली चाहिए, बोथ साइड, बोथ साइड मतलब आगे पीछे, हाँ
उसके बाद से ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप भी कर सकते हैं, साइज A4 है, और भी चेंज कर सकते हैं, और नॉर्मल मार्जिन है। नॉर्मल मार्जिन में समझ रहे ना, टॉप बॉटम सब जगह 1:1 और पेज शीट 1 पर, बस हो गया। क्या मार देंगे, जैसे ही प्रिंट मारेंगे और यहाँ सारा प्रीव्यू चेक कर लेंगे, 6 दिखा रहा है यहाँ पे, खत्म हो गया, अब नहीं है। बस और बस प्रिंट मारेंगे तुरंत क्या मार देगा, ये सेव करने के लिए मार देगा, क्या मांगेगा, कहेगा सही भाई सेव करिए, ठीक है, क्लिक कर। और इसकी प्रॉपर्टी है, प्रिंटर की प्रॉपर्टी भी चेक कर सकते हैं, देखो एडवांस में आएंगे, इसकी प्रॉपर्टी जो भी दी होगी, साइज क्या रखनी है या फिर जो भी क्या है, प्रिंटर का नाम क्या है, सारी कहानी यहाँ पे दिखाते हैं एडवांस, ठीक है, हो जाएगा। प्रिंट पे क्लिक कर दिया, देखिए प्रिंट हुआ नहीं, अब क्या मांग रहा है, सेव कर, क्योंकि फाइल सेव नहीं, इसीलिए तो ये दिमाग में हमेशा रखिएगा कि कभी भी कोई चीज हो रहा है, अगर मान लो कोई चीज सेव नहीं कर पा रहे, मान लो ग्रुप पे ही कोई काम कर रहे थे, कोई चीज सेव नहीं कर पा रहे थे, तो Ctrl P दबा दीजिए प्रिंट करने के लिए, ऑटोमेटिकली सेव का ऑप्शन दिख जाएगा, तो प्रिंटर नहीं है तो सेव ही होगा, जाहिर सी बात है, समझ आ रही बात ना। बस इतना करना है आज की क्लास में, और जो लोग आगे चाहते हैं जॉब वगैरह करना या गवर्नमेंट जॉब में मन लगता होगा आपका, तो एक ऑफिशियल साइट है, जानते ही होंगे आप लोग, सरकारी रिजल्ट, इसमें सारी अपडेट मिलते रहते हैं। रिसेंटली एक जॉब आया हुआ है SSC CSSL, बता दो SSC के 3 चीज होती है पहले स्टार्टिंग में, SSC SSC MTS होता है, SSC CHSL होता है, और CGL होता है, इस सारे SSC के ये होता है, जो लोग भी 10 क्वालिफाई है वो लोग भर सकते हैं, ये जो 12 क्वालिफाई है वो भर सकते हैं, और ये जो ग्रेजुएट है वो भर सकते हैं। फिलहाल में चल रहा है CSL का, जिनका भी 12 क्लियर है वो भी भर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है कि गर्ल्स का 1 भी रुपया नहीं लगेगा, SSC वाले गर्ल्स से पैसा नहीं लेते हैं, भेदभाव है, लड़कों से लेंगे 100 रुपए, है ना, तो ये चीज आपको मिलेगा, सरकारी पे क्लिक कर लीजिएगा, और यहाँ सारी वैकेंसियां देखते हैं रिसेंटली क्या क्या आई है चीजें, देखिए RPF का भी एग्जाम चल वो आने वाला है, एग्जाम होने वाला है, रेलवे पुलिस फोर्स का वो भी अच्छा खासा जॉब है, UPSC की जो तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी ऑप्शन आया हुआ है, ठीक है, काफी चीजें यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, जो आपको भरना होगा, ठीक है, UPSC मंडी परिषद सचिव, इसका इसका तो और कम लगता है, 25-50 रुपया लगता ही है, देखना 25 रुपये UPSC का, जानते हैं ना आप लोग, ISPCS लेवल का, मेहनत करेंगे तो निकल जाएगा। 24/5 को अप्लीकेशन कब स्टार्ट होगा है, 24/4 को, कब तक चलेगा, 24/5 तक, तो क्या क्या जो दिखा रहे पहले उधर नहीं, यहाँ पे एज लिमिट भी दी हुई है, मिनिमम एज कितनी चाहिए, 21 और 134 पी वो है सीट है पोस्ट है, जिसमें आपका 2023 का स्कूल कार्ड भी चाहिए, पेट का जानते हैं ना, पेट एग्जाम का जो हर में 1 साल के लिए वैलिड रहता है, एक छुट्टी आपका किया कम से कम 3 साल तक वैलिड रखना चाहिए, सरकारी खराब है, और देखिए सब के लिए नहीं है, एलिजिबिलिटी क्या क्या दिया हुआ है, बैचलर डिग्री होना चाहिए एग्रीकल्चर में, मार्केटिंग में, साइंस में, कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में, चलो मैं एलिजिबल हो गया, क्यों, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन कॉमर्स है, जिनका भी कॉमर्स से ग्रेजुएशन होगा उसके लिए एलिजिबल हो जाएगा, और इसमें 54 पद जनरल वाले का है, 13 EWS के, 37 OBC, 28 SC और 2 ST, और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। अच्छा, UPSC के ज्यादातर एग्जाम में OTR जनरेट करना होता है, तो एक बार आप लोग OTR जनरेट कर लीजिए, ताकि बार बार आपको काम ना करना पड़े,
अब इसमें से देख लीजिए कौन सा आपका है, कौन सा आप भरना चाहते हैं। 24/4 को जो आया वही ना, अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। नीचे दिख गया 2140 और वैकेंसी देख सकते हैं वैकेंसी कितनी है यहाँ पे 134। ठीक है, सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करिए और स्टार्ट करिए आगे बढ़ना। आपने पढ़ लिया है, आई एग्री किया और कहानियां से पूछ रहा है कि ओटीपी के द्वारा थ्रू या पर्सनल डिटेल के द्वारा जो भी करना सकते हैं करिए। अब यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह देखिए, कोई भी फॉर्म भरना बड़ा मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। ठीक है, लेकिन बस यही है कि आप डिपेंडेंट हो जाते हैं और बेवजह बाहर पैसे खर्च करते हैं, 100 रुपए 50 रुपए हर चीज के लिए। भाई जहाँ प्रिंट उन्ट वाली बात है वहां तो करना पड़ेगा प्रिंटर, लेकिन बाकी चीजें तो आप खुद कर सकते हो, क्यों पैसे देना। ठीक है, वैसे आप सारा कर लीजिएगा। पेट का मतलब प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। ये पेट एग्जाम क्यों कराया जाता है, इसमें भी गवर्नमेंट का कोई वो नहीं है, इसमें यही है कि जब कोई फॉर्म आता है 1000 वैकेंसी होती है तो 10 लाख 1 लाख भर देते हैं, इससे क्या होता है कॉम्पिटिशन काफी तगड़ा हो जाता है, कॉम्पिटिशन काफी तगड़ा हो जाता है, आने जाने में भीड़ की दिक्कत होती है, बहुत सारी चीजें होती है और एक सीट के पीछे कई कई हजार लोग लड़ रहे हैं। तो इसलिए नया स्कीम निकाला गया कि अगर आप पेट का एग्जाम दो क्वालिफाई होते, क्योंकि उसमें भी आईएएस पीसीएस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, कब पिछला बीता है तो आपने दूसरा जो दिया है दूसरे का जो गर्मी पूछिए अभी नहीं लग रहा था, तो से फाइनल मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हो सॉल्व कर लोगे। जीएस जीके इतना खतरनाक पूछा था लग रहा था यूपीएससी का एग्जाम अटेंड कर रहा है, कर लेंगे आप ना प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। और कुछ चीजें रिसर्च की जाती है नेट पे, क्या हो सकता है किसी चीज के लिए आप एलिजिबल हो, कई बार ऐसा होता है हो जाता है, हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, लोगों से कुछ ना कुछ डिपेंडेंट रहिए, कौन सा जॉब आ रहा है कौन सा जॉब आ रहा है। जैसे अभी लड़कियां बनेंगी तो कुछ एक भी पैसा नहीं लगेगा यूपीएससी में, हाँ अरे हाँ अभी कह नहीं कह रहा हाँ हाँ खास से देना होता है।